व्यूअर्स, शेट बन के तैयार है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे समोसों, समोसा पट्टी, आप रोल पट्टी, समोसा पट्टी, आप वो एक ही तरीके से ये सब बनती है। इस तरह कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे इसकी। हम कटिंग करके जो एक्स्ट्रा ये निकलता है इसको हम ज़ाया नहीं, मैं तो ज़ाया नहीं करती हूँ, इसको यूज़ में ले आती हूँ मैं भी। देखिए इस तरह से, इधर से भी काट लेंगे। इसको आप जो पिज्जा कटर होता है उससे भी काट सकते हैं। मेरे पास पिज्जा कटर है मगर मैं यूज नहीं कर रही हूँ, छुरी से मुझे ज्यादा आसान लगता है, आसानी से कट जाता है। ये देखें, अब इसको हम अलग कर लेंगे। इसको वन बाय वन हम इस तरह से इस तरह से सबको हम अलग कर लेंगे। ये देखेंगे कितनी आसानी से ये देखें उतर जाते हैं। इस तरह से इसको हम अलग कर लेंगे। समोसे के पट्टी जो हम काटने के लिए, ये देखें तमाम शीट्स को यूँ रखा। जितना आपको, आप चाहते हैं कि जितने समोसे आप समोसे बनाना चाहते हैं उतनी शीट्स को रखें। रखने के बाद इसको इस तरह से इजीली काट लें। इस तरह से बीच में से ये देखें इस तरह काट लिए, ये हो गए समोसा पट्टी। ये इस तरह से काट के हम इसे रख लेंगे और फिर बहुत आसानी से इसको लूँ लिया फिलिंग डाली और इजी समोसे शेप दे दी। अभी मैं आपको समोसा बना के दिखाती हूँ। ये हमारे समोसे की शीट्स तैयार हुए। जब ये इसी तरह हम एक और जो है, अब देखें बस शीट रखी है हमने। अब हम बॉक्स पैटिस के लिए हम उसको निकालना चाह रहे हैं कि हमें किस हिसाब से चाहिए, तो उसको आसानी से हम इस तरह से कट कर लेंगे जितना बड़ा आप बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए सब इसी तरह रोल की भी कट जाती है, इसी तरह समोसों की कट जाती है इजीली, और जिस तरह चाहें इसे आप शेप दे दें। ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छी, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी घर में बनती है। आप बनाएं, बनाकर इसको फ्रिज में सेव कर लें और जब आपका दिल चाहे उसे बना लें। इस तरह से हम उसको जो बनाएंगे कि उसके लिए हमने अलग कर लिए। बस देखें थोड़ा सा मैदा लेकर उसमें पानी मिला लिया और इस तरह से हम लई बना लेंगे। इससे हम रोल समोसे वगैरह जो हैं या स्प्रिंग रोल या समोसे जो भी हैं आप इसको, ताकि उसको ईजीली चिपका सकें। तो शुरू करते हैं, आइए। इस तरह से हमने शीट ले ली है और इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे, थोड़ी सी फिलिंग लेंगे और जो हम डालना चाह रहे हैं ये फिलिंग लेंगे। ये हम बॉक्स पैटिस बना रहे हैं उसकी मैं आपको तरकीब बता रही हूँ किस तरह बनाने। और फिलिंग जो है, मैंने बोनलेस गोश्त लिया था आधा किलो, उसमें एक चम्मच मिर्ची, एक चम्मच नमक और एक चम्मच ज़ीरा डालकर और दो बड़े साइज़ के प्याज ब्राउन करके उसमें डालकर अच्छी तरह से उसका इस तरह से फिलिंग तैयार कर ली थी। तो अब इसको किस तरह बनाएंगे, ये लई को इस तरह से हम इधर ऐसे चिपका लेंगे और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर इसको इसको इस तरह लगाने के बाद फिर हम इसको इधर और इसको इधर इस तरह से पूरा कवर कर देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बना है। ये देखें इसी तरीके से हम तमाम बॉक्स पैटिस तैयार कर लेंगे। ये देखें बस जो हमने
शीट काट के रखी थी समोसों की, वो इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड करके। और फिर हम इसमें जो फिलिंग हमने तैयार की थी, फिलिंग जो बॉक्स पैटिस में भी डाली है हमने, वही फिलिंग हम इसको यहाँ रखेंगे। और फिर हम इसको उसके ऊपर थोड़ी सी लई लगा लेंगे। लई लगाने का मकसद ये होता है ताकि चिपक जाए और ये अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑयल ना जाए। ये देखिए, फिर इसको अंदर हम इस तरह मोड़ेंगे और मोड़ के हम इस तरह से इसको समोसे की शेप दे देंगे। इसी तरह से हम तमाम समोसे जो हैं तैयार कर लेंगे। ये देखें, एक और समोसा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इजीली बना सकें। इसको यहाँ पर अच्छी तरह से जो खुल रहा हो साइड, थोड़ा सा लई लगा दें ताकि वो चिपक जाए अच्छी तरीके से। इसमें फिलिंग डालेंगे और इसमें फिलिंग आप जितनी डालना चाहें उतनी डाल लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत डालिएगा कि समोसा खुल जाए। कम डालना चाहे कम डालिए। देखिए, इसको इस तरह मोड़ेंगे और इस तरह शेप दे देंगे। इस तरह से हम तमाम समोसे तैयार करके रख लेंगे। इस तरह से व्यूअर्स, मैं तमाम बॉक्स पैटिस और समोसे जो हैं इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी। और तैयार करने के बाद मैं इसको किस तरह फ्राई करना है और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया था, मैंने उसमें समोसा और बॉक्स पैटिस जो है मैंने डाल दिया है। देखिए समोसे पे कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जैसे ही ये ब्राउन हो जाते हैं मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। देखिए व्यूअर्स, बॉक्स पैटिस और समोसे बनके तैयार हैं। देखें बॉक्स पैटिस कितना प्यारा बना है, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, समोसा भी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रंची और बहुत परफेक्ट बनाए और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। इसको बनाएं घर में और इसको आप खाएं, इसको हरी चटनी के साथ या केचप के साथ आप इसको खाएं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।